नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त पंकज पवार। घुमक्कड़ पहाड़ी केवल एक ट्रैवलर नहीं है, वो आपका ट्रैवल गाइड भी है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर वो तमाम चीज़ों को बारे में बताऊं जो आपके देहरादून या फिर अन्य तमाम इलाकों में आने के लिए ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस बार हम कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ में क्या कौन कौन सी ऐसी तारीखें हैं कुंभ में जिसमें आप लोग स्नान कर सकते हैं, शाही स्नान कब कब हैं, इसके अलावा क्या गाइडलाइन सरकार ने कुंभ के लिए जारी की है, किस तरीके से आपको आना है, कोविड को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, ये मैं आज के व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। विश्व में बड़ा आस्था का मेला कुंभ इस बार उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेले का प्रारंभ 11 मार्च दिन गुरुवार को महाशिवरात्रि के दिन होने जा रहा है। ऐसे में आपको कुंभ में क्या करना है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कुंभ क्षेत्र में अगर आप आ रहे हैं तो इन तमाम बातों का जरूर ध्यान रखें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ गाइडलाइन है ताकि आप अगर हरिद्वार आएं तो आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आप कुंभ मेले में आ रहे हैं तो तमाम उन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने ऐसी क्या कुछ जानकारियां और गाइडलाइन जारी की है जिनका आप लोगों को पालन करना है। तो दोस्तों, केंद्र द्वारा कुंभ को लेकर SOP जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत SOP जारी कर दी है। इसके तहत आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं सामूहिक भजन, गायन और भंडारे पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.haridwarkumbhmela2021.com पर आवेदन कर सकते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन SA मुरुगेशन ने कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने आश्रम, धर्मशाला, वाहन पार्किंग स्थान, होटल व रेस्टोरेंट, हॉल्टिंग पॉइंट, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन और बस स्टेशन के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। सभी में इस बात की सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और IPC की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम धर्मशाला में केवल तभी प्रवेश मिलेगा जबकि उनके पास एंट्री पास होगा और हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही से निशान लगा होगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच 2 गज की दूरी आवश्यक होगी। उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अगर कोई बस में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं में कोरोना के लक्षण लगते हैं तो बस के ड्राइवर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना पुलिस या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को दे। कुंभ में अगर कोई वाहन या तीर्थयात्री बिना पंजीकरण आएगा तो उसे किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं शाही स्नान पर भी केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खुलेंगी। कुंभ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण को लेकर भी खास तवज्जो दी गई है। SOP में कहा गया है कि
शाही स्नान की जो तिथियां अधिसूचित होंगी उन पर ही हरिद्वार में बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे डेयरी, भोजन, दवा, पूजन सामग्री व कंबल की दुकानें ही खुलेंगी। वहीं पवित्र स्नान के लिए भी 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा। जी हाँ, मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की यह जिम्मेदारी होगी कि 20 मिनट का समय पूरा होते ही वो उन जत्थों को बाहर निकाले ताकि दूसरा जत्था स्नान कर सके। गंगा तट पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मी PPE किट से लैस होंगे। कोविड रिपोर्ट दिखाकर ही निकल पाएंगे स्टेशन से बाहर। जी हाँ, रेल के माध्यम से कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। उनके पास कुंभ मेले का पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है। अगर ये नहीं होंगे तो उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। यही नियम बस स्टैंड पर भी लागू किए जाएंगे। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ 11 मार्च से शुरू होने जा रहा है। हालांकि सरकार उससे पहले इसकी अधिसूचना जारी कर देगी, लेकिन 11 मार्च का जो स्नान होगा वो शाही स्नान कहा जाएगा। यानी उसके अलावा जो 4 स्नान होंगे वो शाही स्नान होंगे। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसे पर्व भी पड़ते हैं जिसमें आम जनता भी स्नान कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से स्नान हैं जिसमें आप स्नान कर सकते हैं और हरिद्वार के कौन कौन से ऐसे घाट होंगे जिनमें आप लोग उस समय स्नान कर सकेंगे जब शाही स्नान भी हो रहा होगा। ग्यारह साल बाद आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक होगी। 27 फरवरी से पहले सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। वहीं केंद्र सरकार ने जो SOP जारी की है उसके तहत उन्होंने ये माना है कि 10 लाख श्रद्धालु हर स्नान में आएंगे और विशेष स्नान पर इसकी संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं हम आपको अब शाही स्नान के बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से दिन में होंगे। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान होगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी और 27 अप्रैल को चैत्र माह की पूर्णिमा का शाही स्नान होगा। वहीं श्रद्धालु अगर शाही स्नान के दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ प्रमुख स्नान के दिन हैं जिनमें 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और 21 अप्रैल को रामनवमी का जो स्नान होगा उसमें आकर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं और कुंभ का जो फल है वो भी अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ सीरीज के आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले हफ्ते हरिद्वार कुंभ से जुड़ी कुछ और रोचक चीजें हम आप तक रखेंगे। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।